अजमेर के आदर्श नगर स्थित अंध विद्यालय में आज लुई ब्रेल की जयंती मनाई गई। साथ ही विद्यालय का वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अजमेर एडिशनल SP विकास सांगवान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर देश भर में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को अजमेर के आदर्श नगर स्थित अंध विद्यालय में भी लुई ब्रेल की जयंती मनाई गई, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। इस मौके पर विद्यालय का वार्षिक उत्सव भी मनाया गया, जिसमें शाला के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अंध विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी भी लगाई, जिसकी शुरुआत नगर निगम की उपायुक्त नीतू यादव ने फीता काट कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडिशनल SP सिटी विकास सांगवान ने व DSP प्रियंका रघुवंशी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों की सराहना की। इसके बाद विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मासूम बच्चों ने लुई ब्रेल पर लिखी कविता गाई व नृत्य करके प्रस्तुतियां दी। वही कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के संरक्षक निर्मल खंडेलवाल ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते स्कूल के विद्यार्थियों का परिणाम भी 100% रहा। उन्होंने कहा कि सेवा संघ के संरक्षक अतुल कुलश्रेष्ठ की ओर से विद्यालय में CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। कार्यक्रम में नगर निगम की उपायुक्त नीतू यादव, प्रिंसिपल अर्पण कुमार चौधरी, रेवेन्यू बोर्ड ऑफ चीफ अकाउंटेंट कृष्णपाल सिंह, संगीत शिक्षक अमिता, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के संरक्षक निर्मल खंडेलवाल, कांग्रेस नेता मनीष सेन सहित स्कूल के विद्यार्थी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 4 जनवरी को हमेशा लुई ब्रेल की जन्म जयंती मनाई जाती है। वही जन्म जयंती आज भी मनाई जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि SP साहब और नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर भी अतिथि के रूप में मौजूद हैं, और ये DO साहब और डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर अजमेर के शिक्षा विभाग के, और गुप्ता साहब शिक्षा विभाग के अधिकारी के रूप में भी मौजूद हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि 65 साल में दृष्टिबाधित प्रिंसिपल के रूप में आज यहाँ है, और इस प्रिंसिपल साहब ने इतना अच्छा स्कूल की तरक्की करवाई है जो पहले कभी नहीं हुई। आज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रिंसिपल के नेतृत्व में स्कूल की काफ़ी तरक्की हो रही है। वो तरक्की होती रहे, ये हमारा इनका एक अभिवादन है। मैं स्कूल के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हुए, सांस्कृतिक आज ये अर्पण चौधरी जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बहुत तरक्की किए, और मिसेज अग्रवाल म्यूज़िक की अध्यापिका हैं, वो उन्होंने स्वागत गीत और लुई ब्रेल की एक श्रद्धांजलि और कई स्वागत गीत संस्कृति वंदना के रूप में कार्यक्रम इन्होंने करवाया है। संगीत का कार्यक्रम बहुत उत्पन्न मतलब अच्छा है, और इनकी तरक्की होती रहे मैं यही शुभकामना देता हूँ 2022 में। लुई ब्रेल साहब, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, उनका आज जन्मदिन है, और आदर्श नगर ब्लाइंड स्कूल में ये उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में क्या क्या है? कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो यहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है, उसका सभी अतिथियों ने अवलोकन किया। अब इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे बच्चे। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह सिसोदिया। कौन कौन चीफ गेस्ट है कार्यक्रम में? इसमें SP साहब को पधारना था, तो SP साहब तो नहीं पधार पाए, लेकिन एडिशनल SP साहब हैं, एक डिप्टी SP है, एक नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर है नीतू यादव मैडम, और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं।
हाँ, वो एनुअल फंक्शन है तो उसमें बच्चों को पूरे साल जो उनकी गतिविधियाँ रहती है तो उसका पुरस्कार वितरित किया जाएगा। मैडम प्रियंका मैडम और नीतू यादव मैडम डिप्टी कमिश्नर, कृष्णपाल सिंह जी वित्तीय सलाहकार रेवेन्यू बोर्ड, उसके अलावा शिक्षा विभाग से ADPC श्री अजीमान अजय गुप्ता जी और देवी सिंह जी कछावा प्रधानाचार्य TT कॉलेज अजमेर से हमारे बीच में इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं।